आज मैंने बनाया है बैंगन की भरुआ ग्रेवी वाली सब्जी, यम्मी टेस्टी। आजकल के बच्चे बैंगन की सब्जी नहीं खाते हैं, मेरी तरह बना के खिलाओ, औली चाट चाट के खाएंगे। आज मैं बनाऊंगी बैंगन की भरुआ ग्रेवी वाली सब्जी। तो सबसे पहला मैं बैंगन को दो हिस्से में काटूंगी। बैंगन को मैंने बीच में से दो हिस्सा में काट दिया है डंठल की साथ ही, और अब बीच में से मैं इसके हल्के हल्के इस तरीके से चीरा लगाऊंगी और इसके अंदर नमक मसाले अच्छे से भरूंगी। बैंगन को इस तरीके से मैं चीरा लगाऊंगी बीच में। मैंने सब बैंगन में चीरा लगा दिया है बीच में। अब मैं इसमें मसाला भरूंगी। मसाला में मैंने लिया है जीरा, धनिया, मिर्च मसाला, नमक, हल्दी, मिक्स कर दिया है सबको। अब मैं बैंगन में इस तरीके से ये चीरा लगाई थी थोड़ी सी खोल के मैं इस तरीके से भरूंगी। सब बैंगन में इस तरीके से भर दूंगी अंदर अंदर तक चला जाए मसाला। जितनी भी कटी थी सब बैंगन में मैंने इस तरीके से मसाला भर दिया है। सब बैंगन में मैंने मसाला भर दिया है। ऑयल गरम हो चुका है, अब मैं इसे तलने के लिए रखूंगी इस तरीके से। थोड़ी देर ढक के तलूंगी, पहले ये निकालूंगी और बाद में ये निकालूंगी तल के। हो गई है एक तरफ, दूसरी तरफ पलटा देती हूँ। और दूसरी तरफ भी फ्राई होने दूंगी। हो गई है बैंगन फ्राई। मैंने सब बैंगन फ्राई कर दिया है इस तरीके से। और मैं अब इसी ऑयल में प्याज फ्राई करूंगी। प्याज को मैंने छोटी छोटी पीस में काट दिया है। मैं प्याज को फ्राई करूंगी, इसे थोड़ी सी हल्की ब्राउन करूंगी प्याज को। प्याज फ्राई हो गई है, हल्की ब्राउन हो गई है। अपने सूखी मसाले और नमक ऐड करूंगी। और टमाटर लहसुन की पिसी हुई पेस्ट ऐड करूंगी ग्रेवी के लिए। और टमाटर लहसुन को भी अच्छे से फ्राई होने दूंगी जब तक तेल बाहर नहीं आती मसाला के, तब तक फ्राई करूंगी। मसाला फ्राई हो गई है। अपने ग्रेवी के लिए थोड़ी सी पानी ऐड करूंगी। और इसे उमाल आने दूंगी। ग्रेवी में उमाल आ गई है। अब मैं बैंगन को डालूंगी इसमें।
और इसको 2 मिनट ढक के पकाऊंगी, क्योंकि ग्रेवी का रस बैंगन के अंदर तक चला जाए। जो बैंगन की सब्जी नहीं खाते ना, बच्चे हो बड़े हो, वो भी औंगली चाट चाट के खाएंगे अगर इस तरीका से आप बैंगन बनाओगे तो। उमाल आ गई है, मैं गैस को बंद कर देती हूँ। हरी मिर्च भी मैंने ऐड कर दिया था, अब मैं लास्ट में हरा धनिया को ऐड करती हूँ। बैंगन की भरुआ ग्रेवी वाली सब्जी रेडी हो गई है, खाने में बहुत टेस्टी होंगे। बच्चे बड़े एक बार खाएंगे तो बार बार कहेंगे इसी तरह से बैंगन की सब्जी बनाओ, बहुत टेस्टी रहते हैं। रोटी के साथ, चावल के साथ आप खा सकते हो। आज मैंने बनाया है बैंगन की भरुआ ग्रेवी वाली सब्जी, हेल्दी टेस्टी यम्मी।